नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन जारी है, पूरा शहर सुना है। पूरे महीने रोजा रखे हैं नन्हे रोजेदार। गोवा में 2 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की मौत। राशन दुकानों में 4 घंटे की सेवा। सरकार की ओर से निजी अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त। शिवसेना की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भेंट। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। सरकार ने जारी किए हुए लॉकडाउन की कार्यवाही गतिमान हो गई है। शहरवासियों के लिए यह लॉकडाउन रोज का रूटीन हो गया है। हर रोज सुबह मार्केट में लोग आ रहे हैं, उसके बाद पूरा दिन मार्केट सुना सुना नजर आ रहा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए सख्त लॉकडाउन नियमों ने अब शहर और उसके निवासियों को शांति प्रदान की है। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने और नियमित रूप से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़कों पर आने वाले नागरिकों को छोड़कर बाकी सभी लोग अब घर पर रहना पसंद कर रहे हैं। बिना किसी कारण के शहर में भटक रहे नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही थी। परिणाम स्वरूप बिना किसी कारण के सड़क पर वाहन चलाने वालों की संख्या कम हो गई। बेलगाम महानगर पालिका, आरोग्य विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पूरे महीने रोजा रखे हैं नन्हे रोजेदार। रमजान ईद को इस महीने की 14 तारीख को मनाया जाएगा। इस बीच पूरे महीने से रोजा रखते हुए कुछ नन्हे रोजेदार अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। स्मार्ट न्यूज की तरफ से उन्होंने इसकी जानकारी दी है। कैंप के निवासी मुनीर शेख, अमीर नदीफ शेख, सलमान नदीफ शेख, इन्होंने पूरी महीने रोजा रखा हुआ है, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है। शहर के मुस्लिम धर्म बांधवों ने रमजान ईद मनाने के लिए तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के कारण रमजान खुले में नहीं मनाया जाएगा। रमजान की नमाज घर में ही पढ़नी होगी, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। रमजान की खरीदारी के लिए ग्राहक सुबह से मार्केट में आ रहे हैं। इस रमजान को मनाने के लिए कुछ पाबंदी लगाई गई है, उनका सामना करना पड़ रहा है। लोगों की खरीदारी रुकी हुई है। इन सारी समस्याओं को पार करके रोजेदार अपना रोजा रख के अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। गोवा में 4 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की मौत। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक चौंकाने वाला प्रकार सामने आया है। मंगलवार को सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच 26 कोरोना रोगियों की मृत्यु हो गई है। इस वजह से गोवा राज्य में एक सनसनी फैल गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। राणे जी ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय से जांच की मांग की। इस चौंकाने वाली घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। सावंत जी ने कहा कि कोरोना के मरीज मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में देरी और कोविड वार्ड में उसकी आपूर्ति से प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच सावंत जी ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, यह समस्या का निवारण करने के लिए निग्रही कदम उठाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। राशन दुकानों में 4 घंटे की सेवा। लॉकडाउन के समय में लोगों को सरकारी राशन दुकान जाने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए दिन में 4 घंटे राशन की दुकान शुरू करने की अनुमति दी गई है। राशन दुकानदार सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक राशन वितरित कर रहे हैं। राशन वितरण करते समय सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। राशन की अवधि के दौरान लॉकडाउन वितरित करने के लिए राशन दुकानदार जिम्मेदार है। इसके
लिए सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे के लिए राशन वितरण की अनुमति है। राशन दुकानदारों को प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं और कहीं भी पुलिस द्वारा बाधा नहीं पहुंचाई जा रही है। सरकार की ओर से निजी अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त। शहर के प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे मरीज की भर्ती, बिस्तर की व्यवस्था, दवाओं आदि से संबंधित किसी भी मुद्दे के बारे में अधिकारियों से संपर्क करें। बेलगाम शहर के विभिन्न अस्पतालों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी उपलब्ध है। बेलगाम COVID-19 वार रूम हेल्पलाइन 0831-2246-960 और बिम्स कोविड हेल्पलाइन 0831-2491-206 श्रीमती शारदा कोलकार, प्रशासक काड़ा बेलगाम, इन्हें संपर्क करने का आह्वान किया गया है। शिवसेना की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भेंट। शिवसेना के सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की जरूरत के लिए 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए हैं। युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। ऑक्सीजन की वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रयोगशाला कॉन्सेंट्रेटर द्वारा सुविधा पूरी की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ बेलगाम शहर सहित जिले में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से बेलगाम शिवसेना ने सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे जी से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग की थी। इस मांग पर तत्काल ध्यान देते हुए एकनाथ शिंदे जी ने मराठा मंदिर में समिति द्वारा शुरू किए गए केंद्र को 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए हैं। शेष 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगले 4 दिनों में उपलब्ध होंगे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोरोना महामारी से प्रशासन निष्क्रिय हो गई है और जिला अस्पताल में मरीजों की हालात खराब है। इस परिस्थिति में सामाजिक संस्थाएं ही मदद के लिए आगे बढ़ रही है। अभी जायंट्स मैन संस्थान ने 51,000 रुपए का धनादेश महाराष्ट्र एकीकरण समिति को दिया हुआ है। जायंट्स मैन के अध्यक्ष संजय पाटिल ने युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेरके को मदद की रकम का धनादेश सौंपा। इस अवसर पर जायंट्स विशेष समिति के सदस्य मोहन कारेकर, सुनील भोसले, विजय बंसूर, लक्ष्मण शिंदे, प्रेमानंद गुरव, राहुल बेलवलकर, सुनील मुरकुटे, महादेव केसरकर, अरविंद जलकर और आनंद कुलकर्णी उपस्थित थे। बेलगाम जिले में 755 नए कोरोना मरीज। बेलगाम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को जिले में 755 नए कोरोना मरीज पाए गए। 2 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो गई। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बेलगाम जिले में 755 लोग आज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इससे कोरोना संक्रमण की संख्या 40,396 हो गई है। 7,272 सक्रिय मरीज है। कर्नाटक में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दाखिल। कोरोना बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी कई अस्पतालों में जारी है। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के माध्यम से देश में चल रहे स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने अपनी राहत यात्रा जारी रखी है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कर्नाटक पहुंची। ऑक्सीजन झारखंड से टाटानगर से आई थी। इस समय 120 टन ऑक्सीजन बेंगलोर तक पहुँचाया गया। अभी भी अधिक तरल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए जाएंगे।
रेल मंत्रालय ने कर्नाटक को रेल द्वारा अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का बड़ा फैसला दिया। राज्य ने ऑक्सीजन के लिए केंद्र में मदद मांगी थी। कर्नाटक में 120 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार को बेंगलोर पहुंची। तापसी गांव में दो की निर्मम हत्या। गोकाक तालुका के तापसी गांव में दो की हत्या का मामला सामने आया है। उसी गांव के लक्ष्मी ज्ञानेश्वर नायक उम्र 25 और कृष्णा नायक उम्र 22 मारे गए हैं। लक्ष्मी के पति ज्ञानेश्वर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों को मार डाला। अनैतिक संबंध के संदर्भ में संशय के कारण यह हत्या हुई है, ऐसा पुलिस ने बताया। ज्ञानेश्वर अपने दोस्त कृष्णा को एक गन्ने के खेत में ले गया और धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। फिर वह अपनी पत्नी को घर लेके आया और उसकी भी हत्या की। कुलकोट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महावीर कृष्णा कुरणे का निधन। कलमेश्वर नगर मजगांव के निवासी महावीर कृष्णा कुरणे, इनका 8 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात दो बेटे, पत्नी और माँ, ऐसा परिवार है। विठ्ठल कल्लाप्पा नार्वेकर का निधन। भाग्यनगर के निवासी और वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विठ्ठल कल्लाप्पा नार्वेकर उम्र 68, इनका मंगलवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, एक बेटा, दो बेटियां, बहू, पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। संजय परशुराम शिंदे का निधन। सोनार गली वड़गांव के निवासी संजय परशुराम शिंदे उम्र 42, इनका मंगलवार को निधन हो गया। उनके पश्चात माँ, पत्नी, दो बेटे, एक बेटी, एक भाई और एक बहन, ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।